चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर के उतरने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अपने आंकड़े तुरंत भेजने लग जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए भी व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की गई है। इसरो की कोशिश है कि चंद्रयान 3 के आंकड़ों पर आधारित कोई भी अहम जानकारी की घोषणा या शोध पत्र का प्रकाशन सबसे पहले एजेंसी के द्वारा ही किया जाए। दरअसल 2008 में चंद्रयान को भेजे आंकड़ों की मदद से नासा ने सबसे पहले घोषणा कर दी थी, इसीलिए इसरो इस बार अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहता। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक घूम घूम कर आंकड़े एकत्र करेगा। इसमें लगे दो उपकरणों में से एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा, जबकि दूसरा लेजर इंड्यूस्ड ब्रैगडन स्पेक्ट्रोस्कोप सतह पर किसी धातु की खोज और उसकी पहचान करेगा। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक दोनों उपकरणों की तकनीक अलग अलग है और काम करीब एक जैसा ही है। ये उपकरण खुद ही काम करेंगे और उसके आंकड़े रोवर से सीधे लैंडर विक्रम और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास पहुंचेंगे। ये दोनों उपकरण इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN से जुड़े रहेंगे। कर्नाटक के बयालालू में स्थित इस प्रयोगशाला में सीधे आंकड़े प्राप्त होंगे और वैज्ञानिक उनका विश्लेषण शुरू कर देंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल 2008 में क्या हुआ था। 2008 में जब चंद्रयान 1 ने आंकड़े भेजने शुरू किए थे तो उसके आधार पर पहली घोषणा नासा ने 24 सितंबर 2009 में की थी। उसने बताया कि चांद के दक्षिण हिस्से में बर्फ की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। नासा ने ये घोषणा चंद्रयान 1 में भेजे गए अपने उपकरण मून मिनरोलॉजी मैपर के आंकड़ों के आधार पर की थी। बाकायदा साइंस जर्नल में इसके बारे में जानकारी प्रकाशित हुई थी। इसके एक दिन बाद इसरो ने दावा किया कि उसके उपकरण मून इंपैक्ट प्रोब के आंकड़ों ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन घोषणा करने में वो पीछे रह गया। लेकिन इस बार इसरो ने कोई विदेशी उपकरण नहीं भेजा है, इसलिए कोई भी नतीजा वो सबसे पहले निकालने की तैयारी में है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्रज्ञान रोवर उतरेगा वहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच सका है। चंद्रयान 1 ने भी दक्षिणी क्षेत्र से ही आंकड़े जुटाए थे। इस क्षेत्र में गहरी खाइयां और ऐसे स्थान हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंची, इसलिए नई जानकारी सामने आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। चंद्रयान 3 के आंकड़े इसरो के पास ही रहेंगे, लेकिन विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ पूर्व में हुए समझौतों के तहत इन्हें साझा भी किया जा सकता है, जिसके आधार पर दूसरे देश की एजेंसियां भी इनका विश्लेषण कर सकती हैं। लेकिन इस बार इसरो इस मामले में आगे रहने की कोशिश करेगा, जिसके लिए रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई है।